हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ स्नेहा और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज अभी लगभग सुबह के 5:30 बजे हैं। हम 5 बजे उठ गए थे, हमने गर्म पानी और चाय वगैरह पी ली है। बाहर तो अभी अंधेरा ही है और आज मेरा गला भी थोड़ा खराब है, आवाज से आपको लग रहा होगा थोड़ी आवाज में दिक्कत है, क्योंकि कल हमने थोड़ा फ्रूट चाट वगैरह खा ली थी, उसमें नींबू डाला था, जिससे मेरा गला खराब हो गया है। खाने में तो लालच आ जाता है ना, तो खा लिया और गला खराब हो गया। चलो कोई नहीं, अभी मैं गरारे वगैरह करूंगी और उससे जो है थोड़ा ठीक हो जाएगा, दिन तक गला थोड़ा आराम आ जाएगा। अभी मैंने सोचा कि अभी सुबह सुबह, बाहर तो अंधेरा है, बाहर तो कुछ भी नहीं जाके कर सकते हम, तो चलते हैं किचन में और देखते हैं कि किचन में आज क्या क्या बनेगा। सारा काम किचन का निपटा लेते हैं और फिर मिलेंगे उसके बाद, रोशनी होने के बाद आपको बाहर जाकर। बने रहिए हमारे व्लॉग में। तो आज बनाएंगे हम गाजर का हलवा। इसके लिए गाजर मैंने रात को ही ये क्रश कर मैश करके रख दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और ठंड भी है आजकल, तो हाथ ठंडे हो जाते हैं। मैंने रात को बैठ कर टीवी देखते देखते ये सारा काम करके रख लिया था, तो अभी सुबह सुबह इसको बनाएंगे। और इसमें डाले हैं काले चने भी होने के लिए, तो इसका बनाएंगे हम सूप, क्योंकि पथरी के लिए जो काले चने का सूप भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें थोड़ा पानी और डाल लेते हैं, ताकि सूप के लिए पानी काफ़ी ज़्यादा हो जाए। और इसमें थोड़ा सा नमक ही ऐड करेंगे हम, बाकी और मसाले नहीं डालने हैं। इसमें डाल देंगे हम नमक। इसमें बनाएंगे हम गजरेला आज। ये घी कहाँ से, बाजार से वाला लाया? नहीं, मैंने घर में बनाया है खुद। मलाई होती है ना पहले, जो अच्छा दूध आता था हमारे, उसकी मलाई से। तो इसमें हम डाल देंगे घी, आजकल सब कुछ जम जाता है, इसको घी को पिघलने देंगे। तब तक घी गर्म हो गया है, तो इसमें मैं इसको डायरेक्ट ही डाल दूंगी। आज मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ, ऐसे मैं इसको प्रेशर कुकर में प्रेशर लगा के फिर उसके बाद तड़का लगाती हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा कि दूसरे तरीके से बनाते हैं। मैंने इसको सीधे ही तड़का लगा दिया है और सीधे इसको यहाँ पर ही पकाऊंगी सारा तड़के में ही। और उसके बाद जो है इसमें, जब ये थोड़ा सा गल जाएगा उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे। चीनी पहले नहीं डालेंगे हम, अगर हम पहले ही चीनी डाल देते हैं तो ये गलता नहीं है ज़्यादा। जब ये थोड़ा सा गल जाएगा फिर उस वक्त इसमें चीनी डालूंगी मैं। साथ ही मैं आटा भी गूंद लेती हूँ जब तक ये पकता है गजरेला, क्योंकि इसको बार बार छेड़ा लगाना पड़ता है, तो इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैंने सोचा साथ साथ में आटा भी गूंद लेती हूँ, ताकि हमारे टाइम की बचत भी हो जाए और काम सारे निपट जाए जल्दी जल्दी। सुबह सुबह में ये सारे काम निपट जाएंगे तो ठीक रहता है, इसलिए मैंने यहाँ आटा भी गूंद रही हूँ और साथ साथ में इसमें छेड़ा भी लगाती हूँ। अभी ये पकना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा, बाद में हम इसमें चीनी डालेंगे। अभी इसको थोड़ा सा और पकने देते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक गया है। अब ये मैंने इसमें 1 गिलास दूध डालकर इसको अच्छे से पकाया है, तो अब हम इसमें चीनी डाल लेंगे। और क्योंकि अब पक चुका है, चीनी इसमें चीनी डालने के बाद थोड़ी चाशनी सी बन जाती है, तो स्वाद के अनुसार हम चीनी डाल लेंगे इसमें। जितनी गाजर होती है उसका 1/4 इंच चीनी डालना होता है। जैसे कि 1 किलो गाजर है तो हमें इसमें 250 ग्राम चीनी डालनी होती है, लेकिन स्वाद के अनुसार आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इसको हम अच्छे से घोल लेंगे और फिर फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे कि हमारा गजरेला कैसा बना है। अभी हम यहाँ पी रहे हैं चाय। क्या बोल रहे हैं आप? मैं बीमार हूँ, देखो मेरे गले में दर्द है। गले में दर्द है, हाथों में। और मेरे को बोल रहे हैं कि ये कूड़ा फेंक के आओ, खुद कभी नहीं जाते कूड़ा फेंकने। हाथों में तो नहीं है, तो हाथों से क्या करना भाई, गले में दर्द है मेरे, ठंड लगी है, मेरे को ठंड लग जाएगी। और मुंह बंद करके जाना तो बाहर, मेरे शरीर में ठंड नहीं लगती, मुंह में ही लगती है। क्या ठंड, शॉल ओढ़ के जाओ। रजाई ओढ़ के चली जाती हूँ। क्यों, खुद तो देखो जैकेट जुकेट पहन के फिर रजाई में बैठे है और मेरे को बोल रहे हैं कि कूड़ा फेंक के आ जाओ। जाओ ना, आप भी चलो, दोनों जाएंगे, आप भी चलो। ठीक है, चलो। वहाँ देखो अभी अंधेरा थोड़ा थोड़ा खुला है, उजाला हो गया है, हल्का हल्का सा हुआ है उजाला। चलो तो कूड़ा ही फेंक के आते हैं फिर। चलो चलो, ऊपर भी है कूड़ा, इकट्ठा करो सारा, थोड़ी सी होगी उनका सारा इकट्ठा करो। चलो ठीक है फिर, कूड़ा फिर। पहले मेरे को ना अंदर से कुछ स्वेटर पहनना है, क्योंकि मैंने स्वेटर नहीं पहना है ना, ठंड लगेगी। अभी हम चल पड़े हैं कूड़ा फेंकने के लिए, पूरी तैयारी कर ली है, टोपी टूपी पहन के और मास्क भी पहन लिया है, क्योंकि
हवा जा रही है, मुँह में तो गले में काफी ज्यादा दर्द हो रही है। देखो फेंका हुआ इसको यहाँ डाल लेते हैं अपने कूड़े में। ये मेरे डस्टबिन का ढक्कन गिर गया यहाँ पर, ये मेरे को नाराज हो रहे हैं। हाँ तो ध्यान से करना चाहिए ना काम, सुबह सुबह एडवेंचर करते हैं। लाओ खुद, तुमने गिराया तो मिलाओ। हाँ हाँ मैं लाती हूँ, मैंने तो मना किया। आराम से जाना, हल्का पैर लगाना। हाँ जी हॉस्पिटल ले जाएंगे फिर। पहाड़ी है हम, ऐसा नहीं हमारा कोई। हाँ जी हाँ जी, ये सक्सेसफुल होगी इसको लाने में। अपने आप गिर गया पर इसको भी डाल दो, बाहर गिरा जो यहाँ तो बहुत सारा है। चलो जो मुंह दिख रहा है उसको तो डाल दो। खुश कितना कितना उठाएंगे आप यहाँ से, बहुत सारा कूड़ा है इधर, लोग फेंकते रहते हैं। ये देखो ये ढक्कन ढीला हो गया ना, कूड़ा ज्यादा हो गया उसमें तो ये गिर रहा है। और ये मेरे को डांट रहे हैं कि तूने ढक्कन गिरा दिया, टक्कर लगाई। अब कुछ गुनगुना रहे थे, अब जोर से गाओ ना, जोर से गाओ ना। जो आप गा रहे थे, क्या गा रहे थे? तो अब ऐसे ही है, कल अनुराग को बोला गाना गाने को, उसने भी नहीं गाया और आप भी नहीं गा रहे। अरे यार ये मास्क लगा के भी क्या करूँ, अब क्या हुआ? बोला नहीं जाता इसको लगा के ना, यहाँ पे आवाज़ क्लियर आएगी। एक तो पहले ही गला ख़राब है, ऊपर से मेरी वीडियो में आवाज़ नहीं आएगी तो क्या फ़ायदा फिर। चलिए हम डस्टबिन खाली कर लेते हैं, ये वाली जगह तो आपको दिखाने लायक नहीं है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कूड़े को डिस्पोज करने का, तो हम यहीं पर ही फेंकते हैं। आज मौसम साफ़ है वैसे, अभी तो हल्के हल्के बादल है लेकिन वो भी जल गए हैं। वैसे बताया गया है कि आज से फिर से बारिश और बर्फबारी होनी है, लेकिन मौसम को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि आज फिर से बर्फबारी होगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आसपास का व्यू, मौसम देखिए। आज आसमान फिलहाल तो साफ है, हल्के हल्के से बादल हैं, पर मुझे लग रहा है कि आज अच्छी धूप खिल जाएगी। चलिए बाकी देखते हैं दिन तक क्या होता है। और ये रही सतलुज नदी, आज फिर से सतलुज नदी का पानी साफ हो गया है बिल्कुल। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था तो काफ़ी गंदा गंदा सा पानी था, बारिश होने की वजह से इसमें धूल मिट्टी वगैरह आ जाती है, उससे गंदा हो जाता है, लेकिन आज जो है बिल्कुल साफ है। और ये रहा हमारा रामपुर शहर का व्यू, सामने ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा रामपुर शहर, ये नदी के पार। और यहाँ हम हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और ये रहे हमारे डॉन, ये देखो ठंड की वजह से पूरा ढक के आए हैं मास्क मुस्क से, अपना चेहरा चूरा। आप कुछ कहना चाहेंगे? मास्क से काफ़ी बचाव होता है ठंड के लिए भी, ठंड के लिए भी और कोरोना के लिए। क्या कोरोना के लिए तो है ही है, मास्क जरूरी है। अच्छा, आपने इस वक्त क्यों लगाया है? अभी तो कोई भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर, ठंड से बचने के लिए। ये बोल रहे थे घर से आते हुए कि पहले इन्होंने टोपी लगाई, कहते टोपी मास्क भी लगाई लेता हूँ, अब तो आदत सी होगी है इसको लगाने की। और ठंड से भी बचाव होता है, तो सर्दियों के लिए तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और गर्मियों में तो फिर इससे पसीने पसीने हो जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है। पर जब तक कोरोना है तब तक मास्क भी ज़रूरी है लगाना है। तो हमेशा मैं भी लेके आई हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा उतार दिया, और बोलने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। चलो चलते हैं अब, नहीं तो इतनी मॉर्निंग वॉक रोज करें अगर हम, फिर जो आप बोलते हैं ना कि तेरी सांस फूल जाती है बोलते हुए, वो नहीं होगा फिर। कूड़ा फेंक के हम आ गए हैं घर, मेरे गले में काफी ज्यादा हवा जाने से ना थोड़ी खराश सी हो रही है। अब मैं गर्म पानी कर लेती हूँ, गरारे कर लेती हूँ। ये अनुराग भी आ गया है, ये सोने गया था अपने भैया के पास नीचे अपनी ताई के पास, तो अभी ये आ गया है, इसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है तो ये अभी आ गया है। फटाफट से ब्रश वगैरह करो। हाँ जी, ये नाश्ता रेडी, छोले पूरी और गजरेला। यहाँ अनुराग और उसके पापा कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, ये बताएंगे खाकर कैसा बन रहा है। बहुत अच्छा बना है। अनुराग क्या बोल रहा है? बहुत अच्छा है, एक नंबर। अनुराग की भी ऑनलाइन क्लास लगने वाली है, फिर इसको बाद में भूख लग जाती है, इसलिए इसको जबरदस्ती मैंने नाश्ता करवा दिया आज सुबह सुबह। आप क्या खा रहे हैं? पूरियां। आपको मना है ना पूरियां खाना? क्यों, तुमने एक दो दी बस, बतेरा है अब चपाती देना। अच्छा जी, अब आपके लिए ऐसे में तो ज्यादा मन करता है, जब बीमार होता है ना आदमी, जो चीज मना होती है ना उसको तो और ज्यादा मन करता है, ये खाना है। अब मैं तो फिर मैं नहीं देती तो आपने बोलना था, ये मेरे को अब खाना भी नहीं दे रही मेरी, चपाती देना बस, हो गया टेस्ट कर दिया है। चलो स्वाद है, ठीक है, अब मैं आपके लिए चपातियाँ बनाऊंगी बाकी की। अनुराग आप तो पूरी लेंगे ना? हाँ जी। दोपहर के 12 बज गए हैं, तो मैं थोड़ी देर दवाई खाकर धूप में सोई थी, तो मेरा मुंह भी काफ़ी लाल हो गया है धूप से, अभी उठ के आई हूँ। अब मैंने सोचा थोड़ा अपना काम कर लेती हूँ, और अनुराग की चल रही है ऑनलाइन क्लास। जिसका हो जाएगा बेटा वो
तो अनुराग की चल रही है ऑनलाइन क्लास, तो कुछ इस तरह से सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो मिलते हैं आपको। अनुराग ने बनाई है आज मैगी, तो अभी उसको थाली में डालने के लिए बोल रहा है कि आप डाल दो सर्व करने के लिए। इधर देखो अनुराग, कैसा लग रहा है आपको मैगी बनाकर? अच्छा लग रहा है। अनुराग को मैगी खानी थी इसलिए उसने मैगी बनाई है, और मेरे लिए भी बनाई है उसने। अभी हम खा के बताते हैं अनुराग ने कैसी मैगी बनाई है ना अनुराग? हाँ जी। तो ये रही अनुराग की बनाई हुई मैगी, अभी हम सर्व करते हैं और फिर इसको टेस्ट करेंगे जरा कैसी बनाई है अनुराग ने मैगी। मैगी हमने खा ली है, अनुराग ने बहुत टेस्टी मैगी बनाई थी। बनाई थी आपने मैगी? मैगी की रेसिपी बताना जरा। मैगी में पानी डाला, मैगी डाली और वो मैगी मसाला डाल दिया। और फिर क्या किया उसको? उसको मिक्स किया और बन गया बस। तो मतलब ऐसा है कि आप मैगी तो बना ही सकते हैं, खाना तो बना ही सकते हैं। खाना नहीं, मैगी। मैगी? हाँ जी। मैगी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, पता है आपको? पता है। आप तो खाते रहते हैं रोज रोज। मैंने नहीं खाई, मम्मी झूठ मत बोलो। ठीक है, आज तो हमने बहुत सच बोला, झूठ बोल रहे? नहीं नहीं, हाँ बहुत दिन के बाद मैगी खाई है, रोज नहीं खाता अनुराग मैगी। खाने में आज बनी है करेले की सब्जी और यहाँ पे गोभी की सब्जी गर्म हुई है। ये सब्जी बनाई है देवेंद्र ने, गोभी की सब्जी, और अब मैं चपातियाँ बनाऊंगी, हम लोग डिनर करेंगे। अनुराग कर रहा है ड्राइंग, दिखाओ तो अनुराग। ये है अनुराग की ड्राइंग, अनुराग अपनी ड्राइंग करने में आज बिजी है। इस तरह से रहा आज का पूरा दिन हमारा। तो मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, कोल्ड भी नहीं है मुझे, सिर्फ गला ही थोड़ा ख़राब है। तो फिर भी मैंने ब्लॉग बनाया है, तो मेरी आवाज़ को कृपया इग्नोर करें और ब्लॉग को इंजॉय करें। तो मिलते हैं आपको और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।